हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर इन दोनों को समझने वाले हैं। ये दोनों को अगर अच्छी तरीके से समझना होगा तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको इंडिविजुअली इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा दिमाग के अंदर। इतने आसान पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट पकड़ते हैं सीपीयू। अब अगर माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप देखोगे, उसको खोला आपने देखा, अरे यहाँ पे तो सिर्फ सीपीयू दिख रहा है, लेकिन अगर वहीं आपने माइक्रो कंट्रोलर को खोला और वहां पे आप देखोगे सीपीयू तो है ही, ये तो बेस यूनिट है, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ आपको रैम भी मिलेगा, रोम भी मिलेगा, अदर पेरिफेरल्स यानी कि आईओ पोर्ट वगैरह जो चीजें होती है, टाइमर, वो भी आपको वहां पे माइक्रो कंट्रोलर में देखने को मिल जाएंगे। अब जो कि ये सारी चीजें यहां पे नहीं है, तो आप यहां पे उन्हें क्या करोगे, एक्सटर्नली ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी रैम है, रोम है, आईओ पोर्ट्स हैं, अदर पेरिफेरल्स हैं, आपको उन्हें ऐड करना पड़ेगा एक्सटर्नली। और जो वो आप ऐड कर रहे हो, जो भी आपका सिस्टम इंजीनियर होगा वो जो ऐड कर रहा होगा, इट कैन वेरी इन नंबर एज पर योर रिक्वायरमेंट। जितनी जरूरत है उतना आप वेरी कर सकते हो, सो इट कैन वेरी इन नंबर। लेकिन ऐसे हालात वहां नहीं है, यू कैन नॉट ऐड देम। ये जितने भी चीजें मैंने अभी मेंशन की इस पॉइंट में, यू कैन नॉट ऐड देम एक्सटर्नली एज दे आर टू बी एम्बेडेड ऑन अ चिप। उन्हें आप एम्बेड करते हो उस एक सिंगल चिप के ऊपर, इसीलिए कई बार माइक्रो कंट्रोलर्स को मिनी कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दे आर फिक्स्ड इन नंबर्स। ये फिक्स्ड रहते हैं, यहाँ पे ये वेरी होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, बराबर, कि वो है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है कंपेयर टू योर माइक्रो कंट्रोलर, ये बहुत हैवियर होता है, ये हैवियर होता है एंड कॉस्टलियर होता है, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एक्सटर्नली आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तो ये कॉस्टलियर बन जाता है। और यहाँ माइक्रो कंट्रोलर की जब मैं बात करता हूँ तो ये बड़ा ही लाइटवेट होता है, इट इज़ वेरी लाइटवेट एंड चीपर एज कंपेयर टू द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ पे है, वो है मल्टीटास्किंग एंड स्पेसिफिक टास्क। मल्टीटास्किंग आप परफॉर्म कर सकते हो माइक्रो प्रोसेसर में, और स्पेसिफिक टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो माइक्रो कंट्रोलर में। स्पेसिफिक का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक, बीइंग स्पेसिफिक, यानी कि आपका ऐसा कोई टास्क, ऐसा कोई एप्लीकेशन जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है वो एक तरीके से आपने डिफाइन किया है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने वाला माइक्रो कंट्रोलर, करेक्ट और नॉट। और इस ऐसे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको नॉर्मली यू नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन तो डिफाइंड है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रिसोर्सेज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिसोर्स कैन वर्क फॉर इट। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीटास्किंग है, यानी कि Not specific, it's not specific, it is multitasking, okay? तो अभी अगर ये multitasking है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा amount of resources की ज़रूरत पड़ती है, which is a very important point to understand and to take into consideration. तो I hope दोस्तों आपको ये सारे points समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से आपको ये जो दोनों as individually concepts क्या है वो भी एक तरीके से समझ आ गया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।